तो ले क्यों गए, 500 का खर्चा तो कराएगी वो सुबह सुबह तुम। तन्नु आज क्या बात हो गई काजू कतली लाने के लिए? तो उल्टी बिलिंग कर दी। क्यों, क्या बिलिंग कर दी? 3 समोसों की बिलिंग कर दी। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से अलग ही कटिंग पटिंग हो रखी थी। एंड तन्वी ने मेरी हेल्प करके, मम्मा एंड तन्वी ने हेल्प करके तन्नू क्या बनाया बताओ। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस सुबह के 9:30 बज रहे एंड हम लोग उठे थे 8:30 बजे, क्योंकि संडे था। मेरा तो नींद आ रही थी, मैं एक बार उठी उस टाइम क्या पानी भरने के लिए, पर पानी नहीं भरा और अलार्म मतलब लगा रखा था मैंने, वो बंद करके सो गई और उठी 8:30 बजे। मैंने कहा भगवान पानी आता ही नहीं आता, वो तो अच्छा वो पानी आ रहा था। फिर जल्दी से आंटी ने मोटर चलाई, मैंने पानी नहीं भरा और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया। आज झाड़ू मैंने इससे लगवाया, मैंने कहा लगवाओ तुम झाड़ू, और फिर पोछा मैंने मारा है। एंड अभी नाश्ता बना दिया उन लोगों के लिए, पर वो दोनों जा रखे हैं भाभी बेटी दूध लेने, और अभी आधा घंटा हो गया है 9 बजे से दूध लेने जा रखे, आए नहीं अभी तक, पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ। तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। एंड गाइस आज इतनी अच्छी फर्स्ट क्लास धूप आई है ना, बहुत ही अच्छी धूप आ रखी है। आज ना सभी के छतों में कपड़े दिख रहे हैं, देखो ज़रा सबके घरों में छत में कपड़े हैं, क्योंकि बारिश के बाद जो धूप आई है ना, दिनों बाद वो आ जाई है अच्छी वाली धूप, तो सब कपड़े सूख जाएंगे। एंड मेरे जो कल के धुले हुए कपड़े थे ना, वो मैंने यहाँ पे बिस्तर में रखे हुए हैं, और ये देखिए यहाँ पे भी धूप आ रही है अच्छी खासी, और यहाँ पे भी अब जो गीले भी लग रहे होंगे ना थोड़े बहुत, वो भी सूख जाएंगे। वैसे तो गीले हैं नहीं, सब सूख गए थे, बट फिर भी मैंने रख दिया है। यहाँ पे देखो ज़रा गाइस क्या मैंने अच्छा खासा नाश्ता बना रखा है, चाय बना रखी है, और वो दोनों भाग गए और भाग के चले गए बीकानेर, वहाँ से लेने गए समोसा, कह रहे हम समोसा खाएंगे ये नहीं खाएंगे। हद यार, किसी के घर में नहीं बनता होगा इतना यूनिक नाश्ता। सुबह सबके यहाँ रोटी सब्जी बनती है, पर मेरे यहाँ कभी पोहा बनेगा, कभी सेवैयाँ बनेगा, कभी इडली बनेगी, कभी कुछ बनेगा, पास्ता बनेगा, पर इन लोगों के मुँह में ना रोटी जाती ही नहीं है। सुबह के टाइम पर नहीं खाएंगे रोटी। अब देखो छोड़ छाड़ के चले गए, यहाँ तक चाय हाय भी दूध वूध भी छोड़ गए, और देखो सब ये अब गर्म कर रखे हैं, अब सब ठंडा हो जाएगा आने तक। नहीं आप चाहते हैं, मैं तो खाती हूँ अपना भी। ये देखो ज़रा, हाँ भाई साहब क्या लेकर आ रहे हो सुबह सुबह? तो ले क्यों गए, 500 का खर्चा तो कराएगी वो सुबह सुबह तुम उसे। क्यों तनु 500 रुपये का तो क्या ले आई? काजू कतली। सुबह सुबह काजू कतली, हे भगवान। तन्नू आज क्या बात हो गई काजू कतली लाने के लिए? गाइस यहाँ देखिए जरा क्या क्या आया है। अबे यार उसने तो उल्टी बिलिंग कर दी। क्यों, क्या बिलिंग कर दी? 3 समोसों की बिलिंग कर दी और 3 कचोरियों की नहीं करी? ना। तो तुम्हारा ही तो फायदा हुआ है, समोसा महंगा थोड़ी है, कचोरी महंगी है। चटनी नहीं लाए? चटनी है। तो गाइस देख रहे हो सुबह सुबह क्या आ रखा है यहाँ, कराई पापा का सुबह सुबह चपेट लगाई। दिन के बज चुके हैं 12 एंड कल है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी से पहले मैं अपने बच्चों को, मेरे बच्चे मीन्स तन्नू एंड आनू, इन दोनों को बनाती हूँ राधा कृष्ण। अरे इधर आओ, ये अपने आप को देखने में रहे हैं भगवान। हाँ इधर आओ, इधर आओ। राधे राधे। तो गाइस देखिए दोनों कैसे लग रहे हैं, कमेंट में बता। अच्छा डांस करके दिखा दो। राधिका गोरी से तुम वो करो आनू याले में डांस, आनू ऐसे बोलो राधिका गोरी से, राधिका गोरी से बीरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। ठीक है अब मैं तुम्हारी रील बनाती हूँ, ठीक है? क्या हो रहा है, निकल रहा है? लंबे से सही करो। गाइस दिन के 3 बज चुके हैं एंड हम पता है कितने कारिस्तानी में लगे हुए हैं। देखो तन्वी अलग अपने कटिंग पटिंग में लगी है एंड मम्मा की अलग ही कटिंग पटिंग हो रखी थी। एंड तन्वी ने मेरी हेल्प करके, मम्मा एंड तन्वी ने हेल्प करके तन्नू क्या बनाया बताओ। ये देखिए हमारे कान्हा जी का झूला जन्माष्टमी के लिए। यहाँ देखिए जरा, ये देख रहे हैं कैसा लगा आपको हमारे कान्हा जी का झूला? देखो ये है ना सुंदर। तो गाइस अभी हमने मात्र आधे 1 घंटे में ये पूरा झूला
तैयार किया है। अब कैसे तैयार किया, क्या तैयार किया है, ये बहुत हमने खालिस्तानी लगाई है और क्या क्या हमने इसमें लगाया है क्या ही बताओ आपको। फिलहाल मैं 3-4 दिन से सोच रही थी कि बनाऊंगी पर मेरे को ना वो ही नहीं मिल पा रहा था, मटेरियल ही नहीं वो हो पा रहा था, तो मैंने कहा आज कैसे ना कैसे करके बना ही देते हैं। तो देख सकते हैं अभी तैयार हो चुका है, अब कल इसे और ज़्यादा सुंदर सजाएंगे हम। तनवी तेज़ नहीं बेटा, गिर जाएंगे वो, रहन दो, छोड़ो, अब मंदिर के पास लगाते हैं इनको। शाम के 6 बज चुके हैं एंड तनवी और मैं जा रहे हैं मार्केट। गाइस पसीना इतना हो रहा है, आज इतनी गर्मी हो रही है, स्कूटी चाबी नहीं मिल रही है गाइस। तो कल है जन्माष्टमी और फल फ्रूट तो मैंने ले लिए थे, आज आया था ठेले वाला तो मैंने उसे फल फ्रूट ले लिए थे, बट सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी ले आएंगे, अम्मी से भी को यहीं छोड़ के जा रहे हैं, मैं और तनवी जाएंगे, मेरा हेलमेट भी अंदर है। मैं ऐसे जाना पसंद नहीं करती, मतलब ऐसी भीड़ भाड़ में, और आज कल जन्माष्टमी है ना, आज इतनी भीड़ होगी मार्केट में। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अभी पेट्रोल पम्प और यहाँ से मैंने अभी फिल कराया है पेट्रोल, और अभी ना इसमें मैं सोच रही हूँ हवा भी भरा लेती हूँ, पेट्रोल के साथ साथ हवा भी भर जाएगी। ठीक है, तनवी यहाँ पे बैठी हुई है और लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं आप, हवा भराने के लिए। ओके, 8 बज चुके हैं, 8 बजे हम आए और तनवी ने देखो यहाँ पे दुकान फैला रखी है, अपने पापा को दिखा रही, दिखाओ क्या लाई हो, एक बार दिखा दो पापा को कैसा होता है। ये है वाटरमेलन फ्लेवर का, वाटरमेलन फ्लेवर का हैंड वॉश है गाइस, ये पता है इसको मतलब हाथ में रगड़ो तो ये वो निकल जाएगा, इसका पेपर से सॉप बन जाता है, पेपर शॉप टाइप का है। यहाँ देखो इसने सामान फैला के बाजार लगा दिया, बाजार रखो कह रही हो, मैं देती हूँ एक, नहीं देना क्यों है, अरे वो बॉक्स वाला, अच्छा हाँ उसके जो फ्रेंड ने दे रखा वो देगी, ये मत खोलना, चलो ये सामान तो हरवा दो मेरे साथ। हाँ ये ऐसा होता है, कुछ भी नहीं, सुंगो इससे हाथ धोते हैं, अब इसको रखोगी तुम, इसको खाली मत कर देना, मैं नहीं लाऊंगी रोज रोज। क्या क्या मिलने लग गया दोस्तों, हमने तो अभी कभी यूज नहीं किया ऐसा, एक लड़के ने ना पानी में ये मिला दिया था सारा, तो गाइस हमने खाना खाया और सोने की तैयारी आई है, आप कमेंट बॉक्स में लाइक कर सकते हैं, नीचे वालों की क्यों हंस रहे पापा, पापा का हंसने का ही काम है, चलो बोलो बोलो नीचे बेल बटन को क्लिक करें, तो बाय।